हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट दीज थिंग्स आर। आई थिंक वी स्टार्टेड पैसिव वॉइस एंड द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस आई हैव गिवन यू ऑलरेडी। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो थोड़ा सा टफ है, बिकॉज इन दैट प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन यू ऑल द रूल्स। टुडे आई एम ओवर हियर टू गिव यू प्रैक्टिस, ओके। विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू ओवरकम द फॉर्मेशन। You will be able to solve, you will be able to speak the sentences that we create in passive voice. जो हम passive voice में sentence बनाते हैं ना, हाँ, we will also be able to create the same sentence into passive creation. Okay, so अगर आपने video नहीं देखा है तो वहां जाके देख लो, इससे पहले वाला video है। And सुनो एक और बात, अब मैं यहाँ पर आपको एक ही sentence दे दूँ। विनय के द्वारा यह कार्य किया जाता है, विनय के द्वारा यह कार्य किया जाता था या किया गया, विनय के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, विनय के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। इसका मतलब क्या सर, सेंटेंस एक ही ले रहे हैं बार बार। हाँ, ये आपको मैं छोटी सी प्रैक्टिस देने के लिए आया हूं, सो दैट यू विल बी एबल टू कंट्रोल दी सेंटेंसेस। एक ही सेंटेंस को 8 बार बनाना है अगेन एंड अगेन। हाँ, एक ही सेंटेंस को 8 बार बनाना है अगेन एंड अगेन, ताकि आप पैसिव वॉइस के नॉर्मल पहले एस्पेक्ट को सीख जाएं। हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूं कि वो सीख जाएंगे तो इजी हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज मैं कर क्या रहा हूं। मैं देखो, ता के साथ है की बात कर रहा हूं, ता के साथ था की बात कर रहा हूं, गा गी री की बात कर रहा हूं, रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा। मतलब मैं आज पूरे 8 के 8 आपके पैसिव वॉइस की क्रिएशन को लाया हूं। तुम बोलोगे सर इसमें तो 9 है। बेटा 9 है, लेकिन बनाएंगे 8 ही। लगे रहो, देखते हैं कैसे। अगर मैं यहां पर एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले की सजेशन लिखने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, एंड देन वी नीड टू फुलफिल हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, एंड देन A3, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द क्रिएशन ऑफ एक्टिव वॉइस। अगर आप टेंस में एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो दिस इज सेम क्रिएशन। पर अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, A3 की बात करते हैं, ओके, उसके बाद वी हैव टू यूज प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट। इसे सब्जेक्ट नहीं कहते हैं यूजुअली, दिस इज कॉल्ड एजेंट। इसे क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। ओके, Now try to understand, हमने समझा था in the previous video, हाँ, that अगर तुम्हें helping verb इस तरह की active voice में लगानी होती है, तो passive voice में इस तरह की helping verbs का use होता है, okay? Now try to understand, आओ तो सही, गरो तो सही, अरे भाई पधारो तो सही, हाँ, let's do this. First question says, विनय के द्वारा यह कार्य किया जाता है, तो try to understand, मैं कहता हूँ, object कैसे ढूंढना है? First of all, you need to find your object. क्या किया जाता है, करना, क्या किया जाता है, यह कार्य, इसका मतलब दिस इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब इसको मैं ऑब्जेक्ट को लेता हूं आगे, मैं क्या लिखूंगा, दिस वर्क। नाउ व्हाट डू यू वांट, हेल्पिंग वर्क। नाउ पीछे वाले वीडियो की लिस्ट निकालो दैट आई मेड यू राइट, सो यू विल से सर इसमें आएगा इज, हाँ इज आएगा, बिल्कुल सही, हाँ, दिस वर्क इज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में क्रिएट कर दीजिए, डन। सो व्हाटएवर वाज द वर्ब वी रिटर्न और वी रोट इट इन थर्ड फॉर्म। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, A3 हमारे पास है क्या, नहीं है, नहीं है, हाँ, तो क्या चाहिए, प्रेपोजिशन, दिस वर्क इज डन बाय विनय, खत्म। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट, helping verb, main verb, preposition and विनय, done, clear। अब विनय के द्वारा यह कार्य किया जाता था, it means now at the place of is or am, अब आपको यह use करना क्या पड़ेगा, was verb, क्या use करोगे, was verb, so the same creation will be over there, this verb क्या हो जाएगा, was, okay, done by Vinay. It will be very short video. It will be very very short video. Okay? Vinay ke dwara ye kaarya kiya jayega. Kya bolenge? This work, huh?
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, किया जाता था के लिए वॉज आया, जाएगा के लिए विल चल आया. दिस वर्क विल बी डन बाय विनर. डन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीटली सेम बट द हेल्पिंग वर्ब्स आर डिफरेंट डिफरेंट. इट मीन्स all in all I can say the variation of the sentences, the variation of the sentences always will be dependent on the changing helping verb. मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता था, मैं खाना खाऊंगा. पूरा सेंटेंस सेम है, हूँ था और गा में ही फर्क है. सो इन द सेम सेंटेंस आपको भी क्या करना है, हाँ, what you need to do, you need to practice. The thing that you need to do is nothing but practice. Okay. अगेन एंड अगेन ट्राई टू मेक सेवरल काइंड ऑफ सेंटेंसेस. मेरे पिताजी ये करते थे, मेरे पिताजी के द्वारा ये किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा नई पॉलिसी लागू की गई है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप बनाओ इन योर हार्ट. ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी क्लियर. अब आएगा विनय के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है. इट मीन्स ऑल थिंग्स विल बी सेम बट हेल्पिंग ऑफ चेंजेस लगेगी. तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क किया जा रहा है. अब देखो कॉपी में निकालो फटाफट से. हाँ, क्या आ जाएगा, वेरी गुड. अरे वाह शाबाश, कुछ लोगों की आवाज ही पहुंच गई मेरे पास. कह रहे हैं सर इज बीइंग आएगा. वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय विनर. दैट्स इट, क्लियर है, डन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, किया जा रहा था तो क्या हो जाएगा, सेम करते दिस वर्क वॉज बीइंग डन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वॉज being done by Vinay. Okay, क्या किया जा रहा है, हाँ, विनय के द्वारा किया जा रहा था. Now if we talk about the third one, तो third one का कभी passive voice नहीं बनता है. देखिएगा, in your list go and try to watch, try to see over there. मैंने वहां cross cross लगाया है. Now विनय के द्वारा ये कार्य किया जा चुका है. तो इफ वी वांट टू क्रिएट दिस सेंटेंस देन क्या होगा, अगर इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, दिस वर्क हैज बीन डन बाय विनय. इससे समझाना क्या चाहते हो, हाँ, through these practices I just want to tell you that the sentences will be same, only helping verbs are keep on changing. तो हमें ध्यान भी रखना, किया जा चुका था तो at the place of has been, past form of has been will be used. तो this verb had been done by Vinay. और यहाँ क्या हो जाएगा, किया जा चुका होगा तो सेम का सेम हो जाएगा, सेम थिंग विल बी ओवर देयर टू यानी हूबहू दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय विल. इस तरह से आपको यू हैव नथिंग, यू आर सपोज टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस. अगर ये वीडियो आपने अब देखा है तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, पीछे जाइए, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, ट्राई टू राइट ऑल दोज रूल्स इन योर नोटबुक एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट दीज सेंटेंसेस. सो फ्रॉम माई साइड दिस इज द वीडियो, दिस इज द लास्ट एंडिंग. ओके, और मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आप रहें, चाची आप रहें. प्लीज टेक योर टाइम, गाइड करिए. बाय गाइस.